ज्यादा ही उड़ रहे हैं। देखिए आपको जूम करके मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं। ऐसे खिड़की साफ नहीं तो दिख नहीं रहा है, खतरनाक है। उनके बेडरूम से दिखाती हूँ, ये देखिए देखती हूँ 2 मिनट के लिए। नहीं, अंदर आने लगेंगे खिड़की भी साफ करना है, यहाँ से दिखेगा क्योंकि हमने जब घर लिया है तो साफ ऑफ करके दिया नहीं है। तो ये देखो कितनी सारी उड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग एंड स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज जो मेरा नाश्ता वगैरह का काम हो गया है, और अभी देखिए हॉल का हालत दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हॉल की हालत कैसी हो रखी है। सुबह गद्दा हटाया था साइड में पोछा लगाने के लिए, उस साइड पोछा लगवाया आज भाई से, क्योंकि सुबह मैं नाश्ता वगैरह बनाने में बिज़ी रहती हूँ तो कैसे भी पोछा लगा के चली जाती हूँ। और अभी जो कपड़े निकाले हैं मैंने बाहर से वो यहीं रख दिया है। अब इसको फोल्ड करना है, ये भी एक काम है, इसको भी आधा घंटा लगने वाला है। और मैंने आप लोगों से शेयर किया वो जो कीड़े वगैरह जो थे वो अभी भी खिड़की पे हैं, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है उधर जाने में कि कहीं काट वाट लिया तो। आज क्या है, मेरे पास बहुत सारा काम है। मैंने अभी फ्रिज पे रखा है मोबाइल, और क्या करना है, मैं जा रही हूँ जीरा वगैरह थोड़ा भुनने, क्योंकि पीसना है जीरा। भुना मतलब भुना हुआ जीरा मेरा ख़त्म हो गया है। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है ना, तो छाछ वगैरह पीने के लिए उसमें अच्छा रहता है, या जीरा वाटर पीने से भी डाइजेशन हीट वगैरह थोड़ा कम हो जाता है, तो वो भी करना है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर ही चुकी हूँ, तो ब्लॉग की शूटिंग करने से पहले तो बारी है किसकी, ट्रिक एंड आइडिया है। तो चलिए ट्रिक एंड आइडिया दिखाती हूँ आज का। ट्रिक एंड आइडिया के लिए जाना पड़ेगा मंदिर के पास में, तो चलिए दिखाती हूँ। पहुँच गई हूँ मैं मंदिर के पास और दिखाती हूँ। जैसे ये एक बास्केट है जिसमें जितना पूजा का जूठा बर्तन मतलब यूज़ हो चुका सामान है वो यही रहता है, और इसको साफ़ करती हूँ फिर लाके इसमें ही रखती हूँ। और ये है वो ट्रिक एंड आइडिया। एक्चुअली ये डस्टबिन नहीं है, ये है अमेज़न का कार्टून, देख सकते हैं अमेज़न का कार्टून है, ये डब्बा है तो कुछ आया होगा। तो उसमें मैंने डाला है ये वाला पॉली बैग, और इसमें जो भी पूजा का जो वेस्टेज होता है जैसे फ्लावर धूप का डब्बा कुछ भी तो सब इसमें ही जमा करती हूँ, और इकट्ठे मैं बालकनी में डाल देती हूँ। तो इससे ज़्यादा कचरा भी जमा नहीं होता है, और चलो काम भी आ गया डब्बा। तो कैसा लगा आइडिया, तो ये है। अभी मुझे इसका एक ऊपर से कवर चिपकाना है, कवर जैसा रखना है, तो वो भी कर लूँगी। डस्टबिन के पैसे बचा लिए, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि ज्योति कितनी कंजूस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत खर्चीली हूँ बहुत ज़्यादा, बट क्या होता है ना कि जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है कि सैटरडे संडे मैं इनको बोलती हूँ कि चलो मार्केट चलते हैं, और हम लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, हमारे पास बैग नहीं होता, और स्कूटी से निकलते हैं या बाइक से, तो फिर ऐसे डब्बे होंगे तो फिर कैसे आएंगे ना। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि छोड़ो अभी लेके जाने में दिक्कत होगी तो जाने दो, तो उस चक्कर में डिले होता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अभी तक लिया नहीं है, जब लेंगे तो लेंगे, तब तक काम चल रहा है। तो ट्रिक एंड आइडिया की बात तो हो चुकी है, तो अब बात है किसकी, ब्लॉग की। तो चलिए कंटिन्यू करती हूँ आज का ब्लॉग, देखते रहिएगा पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आज का ब्लॉग आप लोगों को किसी भी मोमेंट पे पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, और लाइक करना है गाइस, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आज मैंने वाइट टी शर्ट पहना है। एक्चुअली मुझे वाइट पहनना नहीं चाहिए था, बट ठीक है पहन लिया है, क्योंकि आज बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इच्छा हो रही थी कि ऐसा कुछ वाइट कलर का पहनूं, बट मैंने ऐसा ग्रे कलर का ट्राउज़र भी पहना है साथ में, और ये प्रिंट वाला है, बिल्कुल वाइट नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ ना शादी को इसलिए। और ये पीछे देख सकते हैं
क्योंकि मैंने बाई को बोला है कि हमारा गद्दा नीचे रहता है तो आप साइड से भी पूरा पोछा लगाया कीजिए, क्यों पूरा धूल मिट्टी हो जाता है और गंदा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं विंडो से कितनी रोशनी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही है क्योंकि बहुत धूप है बाहर में। आज भगवान जी सैलरी देने वाले हैं तो उसका वीडियो शूटिंग शाम को करूँगी जब पतिदेव आ जाएंगे मेरे, क्योंकि अभी कर लूँगी ना तो फिर क्या होगा, जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो वो प्रोसेस करने के बाद फिर मेरे पतिदेव को ना ऐसा डाउट होगा कि इसने पैसे चुरा लिए पहले से ही, जैसा कि वो हर पति लोग करते हैं, मतलब पैसे देने के नाम पे बहुत कंजूसी करते हैं, हर हस्बैंड का ये रहता है। तो उनके सामने मैं वो खोलूँगी डब्बा और देखती हूँ भगवान ने कितना सैलरी दिया है इस बार। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मज़ेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। और जो पैसे हैं उससे तो पहले मैं भगवान जी के लिए कुछ खरीदूंगी, तो मैंने क्या सोचा है आज बैठे बैठे क्या खरीदूंगी, तो सबसे पहले मैं ना सब भगवान जी लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेने वाली हूँ, एक एक चुनरी लेना है मुझे और एक एक माला एक्स्ट्रा लेना है। रीज़न क्या है कि जब इनको वॉश करूँगी तो फिर एज अ रिप्लेसमेंट मुझे पहनाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रखो पूरा दिन ऐसे ही फिर पहनाओ तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं अभी वही लिस्ट बनाने वाली हूँ कि कितनी मुझे चुनरी लेनी है और कितना माला लेना है, क्योंकि वही सब धुलने वाला है। वो लूँगी, भगवान जी के लिए प्रसाद लूँगी, दो चीज़ें हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उठा जाए, उठ के काम किया जाए, क्योंकि मोटी हो गई हूँ तो कुछ काम होता नहीं है, मतलब ऐसे उठना बैठना नहीं पॉसिबल होता, और यहाँ सब ऐसे ही अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें नीचे है, जैसे हॉल है तो हॉल में भी गद्दा नीचे रखा हुआ है, तो बार बार उठना बैठना है ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जा रहा है, तो वो दिक्कत होती है। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, तो वेट बढ़ा है मेरा, तो मेरी गलती है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है वॉक करना और अब योगा भी स्टार्ट करूँगी, योगा भी शुरू करती हूँ, क्योंकि पहले मैं जिम करती थी मार्च तक जिम करती थी, तो बॉडी मेंटेन रहता था, नहीं एटलीस्ट तो वॉक करती थी, बट शादी के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। शादी के बाद ऐसा हो जाता है ना कि अपनी लाइफ अपनी नहीं रह जाती है, टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड रूटीन, हस्बैंड टाइम, उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों पे डिपेंड हो जाएंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है और उसमें एडजस्ट करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी घर में। तो फाइनली स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है, पतिदेव बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते भी है चलो चलो वॉक कर लो, मोटी हो रही हूँ और ये वो, और तो ये है, बट सुबह मैं ही आलस कर जाती हूँ, लॉजिकली मैं 7 बजे का अलार्म लगाती हूँ और सोचती हूँ कि डेली उठ जाऊँगी, बट उठना नहीं होता और मैं सोई रह जाती हूँ, और इनको उठाती हूँ, उठो वॉक पे जाइए, बट मैं नहीं उठती हूँ। 8 बजे उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता देके इनके भेजती हूँ, उसके बाद कहाँ एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा। बट अब कोशिश करना धीरे धीरे कि एटलीस्ट 10-15 मिनट भी अपने ऊपर टाइम दो, उसके बाद फिर तो हैबिट हो जाएगी। शायद बताया होगा, एक्चुअली मेरे पास 2 कैमरा स्टैंड है, एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे है और एक ये छोटा वाला है पोर्टेबल वाला, तो इसका जो कैमरा होल्डर है वो मैंने इसमें लगा दिया और इसका वाला टूट गया है, और एक्स्ट्रा है मेरे पास बट कहाँ है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और मेरा पहला टारगेट है, दिखाती हूँ आपको, लगता है कि ये जो ट्रॉली है ना इसमें मैंने रखा होगा, तो अभी जा रही हूँ उसे उतारने, देखती हूँ हो पाता है या नहीं मेरे से। 1 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ, इनको बोला बट इनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अभी जा रही हूँ मैं उतार लेती हूँ खुद से। ये एक स्टूल है इकलौता जो जिसका मुझे मैं यूज़ कर सकती हूँ, और इसको भी पतिदेव ने तोड़ दिया, एक्चुअली ये चढ़ के कुछ काम कर रहे थे और लोड नहीं लिया तो टूट गया, तो चलिए ट्राई कर लेती हूँ। जितना नेसेसरी सामान था वो मैंने निकाल लिया है, और इसमें मैंने वुलन टॉप जितने मेरे थे जो मैं अभी यूज़ कर रही थी उनका तो कोई यूज़ है नहीं, तो मैंने रख दिया इसमें, और इसको मैं पैक कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, और ये जब आएंगे तो ऊपर रख देंगे, काम दे दूँगी। तो इतने सारे कपड़े कल धुले हैं, आप
आपको बताया था। और अभी सारे कपड़ों को फोल्ड करना है। ये झोला लेके आई हूँ मैं, और इस झोले में जो है जैसे ये शर्ट वगैरह है वो सब हम लोग धोबी को देते हैं आयरन करने के लिए, उनसे तो होता नहीं है। और ये एक नंबर की आलसी है, करते नहीं है। और धोबी को देने से क्या होता है, क्रीच वगैरह भी अच्छा से हो जाता है। तो अभी प्रेस करने के लिए देना है, तो जितने इनके फॉर्मल शर्ट पैंट है वो सब अलग अलग करते भी जाती हूँ।